रहे लौकिक भारत न्यूज नेटवर्क, आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। बात किसान आंदोलन से जुड़ी। दिल्ली की सरहदों पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ नाराजगी जताते हुए किसानों को 3 हफ्तों से ज्यादा का समय गुजर चुका है। इस दौरान किसानों के समर्थन से जुड़ी कई कहानियां हमारे सामने आई हैं। बीते मंगलवार को ही संत बाबा राम सिंह ने किसानों के समर्थन में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसके अलावा विपक्ष के नेताओं के प्रदर्शनों में पहुंचने के कई किस्से सामने आए, लेकिन बिहार के एक बुजुर्ग सत्यदेव सिवान के समर्थन ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बिहार के सिवान में रहने वाले 60 साल के सत्यदेव मांझी ने किसानों को समर्थन देने के लिए टीकरी बॉर्डर तक का सफर साइकिल पर ही पूरा किया है। मांझी दिल्ली हरियाणा की टीकरी सीमा पर मौजूद किसानों में शामिल होने के लिए 1000 किलोमीटर साइकिल से ही पहुंच गए। उन्होंने बताया उन्हें उनके गृह जिले सिवान से यहां पहुंचने में 11 दिनों का समय लगा। उन्होंने सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। किसानों के समर्थन में तमिलनाडु की पार्टी डीएमके के नेता एमके स्टालिन अपनी बहन कनीमोंझी करुणानिधि और दूसरे डीएमके नेताओं के साथ मिलकर एक दिन का उपवास रख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में किसानों से मुलाकात करने वाली हैं। इसी के साथ अभी फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीएनएन।